तो एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, आप क्या एज्यूम कर सकते हो, टी, क्या एज्यूम कर सकते हो, टी, ओके। और टी के रिस्पेक्ट, डी के रिस्पेक्ट में, सॉरी एक्स की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन करो, तो ये डी टी बाई डी एक्स, जैसे वाई का कैसे हो जाता था, डी वाई बाई डी एक्स होता था ना, तो इसका क्या होगा, बी का तो 0, एक्स का 1, और ये ए, डी एक्स सामने की साइड आएगा और ए सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी। इधर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी की जगह पे टी, और डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी। क्लियर है, फिर इसका तो एक्स की जैसे करते थे वैसे आ जाएगा, ओके, और आके 1 अपॉन ए था, तो ये 1 अपॉन ए कहाँ आ जाएगा, आगे। क्लियर है, फिर से बता रहा हूँ, कैसे प्रूव किया, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लो, टी, ए एक डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स की रिस्पेक्ट में, ए कॉन्स्टेंट, एक्स का 1, बी का 0, डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स सामने आ जाएगा, ए इंटू 1 मीन्स ए, तो ये सामने आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए इंटू डी टी। क्लियर है, ओके। तो डी एक्स की जगह पे मैंने क्या लिया, 1 अपॉन ए डी टी, और ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की जगह के एफ ऑफ टी, फिर इसका डी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। चलो एक नॉर्मल 2-3 एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ओके। कौन से एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x-4 dx, इसका आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, 1 अपॉन x, तो उसका क्या होता है, लॉग एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है, 3x-4 + c, एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई में होगा, वो किधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। इसका प्रूफ देखो, मैंने क्या बोला, एक्स की जगह पे एक्स प्लस बी आया, तो उसको क्या ले लो, टी, ओके, टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करो, तो इसका क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, इसका 3, डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 डी टी। क्लियर है, ओके। डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 3 डी टी, और इसकी जगह पे टी, तो 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 3 1 अपॉन टी इंटू डी टी, ओके। 1 अपॉन टी का क्या होगा, लॉग टी, लेकिन टी की जगह पे क्या रखेंगे, 3x-4 + c। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x+4 dx। क्लियर है, ओके। चलो साइन का क्या होगा, कॉस, लेकिन माइनस, 5x+4 + c, एक्स के साथ जितना भी है वो क्या कहाँ आ जाएगा, नीचे। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन में था। दूसरा एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x/2 + 5 dx। चलो कॉस का क्या होता है, साइन, x/2 + 5 ऐसे का वैसा, एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 2 नहीं है, 1 अपॉन 2 है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, ओके, 2 x/2 + 5 + c। क्लियर है, ओके। चलो अभी क्या देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे, इसके पहले थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक सीख लो, तो ये एग्जांपल, दो एग्जांपल समझ में आएंगे, ओके। ट्रिगोनोमेट्री में 4 फॉर्मूला थे, कौन से 4 फॉर्मूला, s + s = 2s c, s - s = 2cs, c + c = 2cc, और c - c = -2ss। क्लियर है, ओके। इसको अप्लाई कैसे करना था दिखाता हूँ, साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो s + s (sin + sin), तो 2sc होगा, 2 sin, पहले दोनों का एडिशन बाई 2 × cos, सब्सट्रैक्शन बाय 2, अगर उल्टा होता तो 2 sin a cos b, ऐसा होता तो उल्टा हो जाता, 2sc है, तो s + s मतलब sin + sin, a + b, और a - b। समझ में आ रहा है, फिर से बोल रहा हूँ,
अगर साइन ए प्लस साइन बी दिया है तो 2ac लगेगा पहली पहली बार एंगल का एडिशन, बाद में सब्सट्रैक्शन और बाय टू, और इसमें बाय टू आएगा नहीं। याद कैसे रखना है, अगर आगे टू है तो बाय टू आएगा, आगे टू नहीं है तो बाय टू नहीं आएगा। क्लियर है? ओके। अगर ये फिर ये सब अप्लाई करना आएगा ना, सी माइनस सी मतलब कॉस माइनस कॉस, कॉस प्लस कॉस, साइन माइनस साइन, टू इंटू कॉस इंटू सी, टू इंटू कॉस, माइनस टू कॉस साइन इंटू साइन, माइनस किस में आएगा, सी माइनस सी होगा तब। ओके चलो एक एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू डीएक्स। ओके चलो, 1/2 इंटू टू इंटू साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू डीएक्स। ये आगे 1/2 क्यों किया, क्योंकि साइन इंटू कोस है, ये एस सी हो गया, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है, 2ac, 2ac मतलब क्या होगा, एस प्लस एस, और ये जब चार फॉर्मूला यूज़ करो तो उसमें बड़ा वाला एंगल कहाँ होना चाहिए, आगे बड़ा वाला एंगल मतलब 4x और 2x में से बड़ा कौन है, 4x, तो कहाँ होना चाहिए, आगे। ओके, 1/2, 2ac मतलब एस प्लस एस, साइन प्लस साइन, 4x प्लस 2x 6x, 4x माइनस 2x, समझ में आया क्या किया, एक बार एडिशन 4x प्लस 2x और 4x माइनस 2x। क्लियर? ओके चलो, अभी क्या करेंगे, इसको सेपरेट दे देंगे, साइन 6x dx प्लस साइन 2x dx। क्लियर? ओके, 1/2 माइनस कोस 6x बाय 6, ये 6 किसका आया, हमारा जो थियरम है वो क्या कहता है, x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जितना होगा वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, माइनस कोस 2x बाय 2 प्लस सी। क्लियर है? ओके चलो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू कोस 6x इंटू डीएक्स, 1/2, 2 इंटू कोस 3x, बड़ा एंगल कहाँ ले लिया, आगे, इंटू कोस 4x इंटू डीएक्स, क्या बन गया, 2cc, 2cc मतलब c प्लस सी, 1/2 कोस, दोनों का एडिशन 4x प्लस 6x क्या होगा, 10x माइनस सॉरी प्लस कोस, 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा तो 2x dx, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ, साइन का कोस 10x बाय 10 और कोस का साइन 2x बाय 2 प्लस सी, इधर 2 मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे 2 आया, इधर 10 है तो नीचे 10 आया। क्लियर है? ओके, प्रैक्टिस करते रहना। ओके क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डेरिवेशन में इंटीग्रेशन कैसे होता है वो देखेंगे, डेरिवेशन वाला थियरम आता है वो देखेंगे। ओके क्लियर।